Hi, main hu Terence Lewis and this is India's best dancer. Subscribe to Set India channel and hit the bell icon for more performances. प्यार जब किताबों में रखा गुलाब मुरझाता है तो खिलता है प्यार दुनिया के सो जाने पर जब रहता है किसी के मैसेज का इंतजार तब खिलता है प्यार जब महंगे तोहफों के लिए लेना पड़ता है दोस्तों से उधार तब खिलता है प्यार जब कहने की जरूरत नहीं पड़ती आंखों से ही हो जाता है इजहार तब खिलता है प्यार दुनिया कहती है प्यार नसीब का खेल है लेकिन असलियत में नसीब से मिलता है प्यार और इसी प्यार के एहसास को सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे सभी डांसर्स जहां खुशियों के पल बिखरेंगे जब प्यार की धुनों पर डांसर थिरकेंगे इश्क किया गए हैं हम एक्ट देख के सरिया तेरा इश्क है प्यार रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं कोई लड़की को सेट करना हो या फिर ब्रेकअप करना हो सब विपुल भैया के पास सारे सॉल्यूशन है ये एक बाबा है हम के अंधेरे ढले बुझ से सितारे जले देखा तुझे तो दिलों में जान आए सर ट्रेन पसंद की अनुभूति की है क्या जिस अनुभूति को यहाँ वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु आइए फिर शुरू करते हैं रोमांस स्पेशल वेलकम टू रोमांस स्पेशल ऑफ इंडियाज बेस्ट डांसर ये हफ्ता और भी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस हफ्ते हमें मिलने वाले हैं हमारे टॉप 10 डांसर आइए शुरू करते हैं रोमांस स्पेशल और बुलाते हैं हमारे आज के पहले डांसर को जजेस हमारा पहला डांसर सिर्फ हाइट से बड़ा हुआ है लेकिन दिल से अभी भी बच्चा है इसीलिए तो गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक डेट प्लान करने की उम्र में ये दोस्तों की महफिल जमाने का प्लान बनाता है गर्लफ्रेंड के साथ छुपन छुपाई खेलने की उम्र में ये दोस्तों के साथ कंबल कुटाई खेलता है सो इंडिया टॉप 10 में अपनी जगह बनाने के लिए रोमांस स्पेशल में आ रहे हैं म्यूजिकलिटी है जिनकी ढाल चंडीगढ़ पंजाब से विपुल खानपाल और इनके कोरियोग्राफर पंकज थापा प्यार सभी को होता है लेकिन हर मौसम में प्यार करने का इजहार अलग होता है मुझको इतना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां केसरिया तेरा इश्क है प्यार रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं दिन भी Oh,
बाहर के मौसम. बिल्कुल. हाय, और बारिश का मौसम जो अभी चल रहा है. चल रहा है. हाय. चलो गिल्ला होने जाते हैं. गिल्ला होने जाते हैं. क्या कहना चाहते हैं आप? उसने बोला बारिश का मेला गिल्ला होने जाते हैं अभी. तो यार पता नहीं लोगों को ना बारिश का मौसम क्यों नहीं पसंद आता. बहुत अच्छा लगता है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. अंदर बैठ के बहुत अच्छा लगता है. मार ही डालोगे. मैं बहुत खुश हूँ. मुझे कुछ चीज़ें बहुत पसंद आई आपके एक्ट में. एक तो मैं विपुल आपके सोलो का हमेशा इंतजार करती हूँ. थैंक यू. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आप जितनी आपकी फीलिंग्स हैं वो सब डाल देते हैं. मुझे जो सबसे खूबसूरत सेक्शन लगा वो है चांद और चकोर वाला. आई वाज डिफरेंट. इट वाज इनोवेटिव. ऐसा एक्ट देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने वो तार छेड़ा है उनके पैरों पे. झनके सन्नाटों में तू बिना के तारों जैसे. वैसे ऐसा लगा कि मन का तार थोड़ा सा छिड़ गया ऐसे. आहा. प्यार के लिए, रोमांस के लिए अच्छा था. पंकज थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू. स्वीट विपुल आई लव यू. लव यू टू. विपुल मैं इतना कहूंगा कि जिस तरह से तुमने प्रेम पसंद की अनुभूति की है. क्या? प्रेम पसंद की अनुभूति की है. हाँ. प्रसंग. प्रसंग. और जिस अनुभूति को यहाँ वर्षा ऋतु. हाँ. अनि शीत ऋतु. क्या? और ग्रीष्म ऋतु. एक सेकंड, एक सेकंड. ये क्या है? गाइस आप लोग को हिंदी आती नहीं है क्या यार? यहाँ पे समझ में आएगा तो इंसान अनुवाद भी करे उसका. बिल्कुल. ईश्म ईश्म मेरे को कैसा समझ में आएगा? एक तो इतु इतु है, ऋतु का समझ में नहीं आया. समझ रो तो खा जाता है लड़का. You know what? Yeah, I know what. Let it be. Let it be. Let it be. पर गाइस दिल से कहता हूँ बहुत अच्छा एक्ट था. गुड गुड जॉब गाइस. गुड जॉब. एक ही बात है इससे कि जो भी कहो प्यार के लिए किसी भी मौसम की जरूरत नहीं है क्योंकि प्यार हमेशा हर मौसम में अच्छा लगता है. जिनकी जिंदगी में होता है वो ऐसे ही कहते हैं. आज क्या है ये हफ्ता? एलिमिनेशन का हफ्ता है. पिछले दो हफ्ते और आज का स्कोर मिला के एलिमिनेशन डिसाइड होगा और टॉप 10 मिलेंगे हमको. So, उस हिसाब से आपका टोटल होता है 18, यानी कि इस हफ्ते और पिछले दो हफ्ते के स्कोर्स को मिलाकर आपका टोटल होता है 65. क्या बात है यार. कहते हैं कि प्यार में जब कोई लड़का पड़ता है तो उसको हर रोज लड़की के घर के चक्कर लगाने पड़ते हैं. और हमारा अगला डांसर तो चक्कर लगाने में इतना एक्सपर्ट है कि वो हर हफ्ते इस मंच के इतने चक्कर लगाता है जितना सोनाली जी के घर का पंखा भी चक्कर नहीं लगाता होगा. सो इंडिया टॉप 10 में अपनी जगह बनाने के लिए रोमांस स्पेशल में आ रहे हैं डांस का छप्पन भोग सतना मध्य प्रदेश से शिवंशु सोनी और इनके कोरियोग्राफर विवेक. सुन वीरे मैनू मेरे प्यार दी बहुत याद आ रही है यारा. पाजी याद तो मुझे भी बहुत आ रही है. बस हमारा ये संदेशा उन तक कोई पहुंचा दे. क्या बात है? जा काले कावा तेरे मूंग च खंड पावा ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदते जावा. बाहों में फिर झोले पड़ गए पक गया मिठिया आंबिया. ये छोटी सी जिंदगी तेरा तलंबिया लंबिया. घर आजा परदेसी तेरी मेरी एक जिंदड़ी. ओ घर आजा परदेसी के तेरी मेरी एक जिंदड़ी. ओए वीरे चल शुरू हो जाओ.
क्या बात है? छम छम करता मौसम प्यार के गीतों का हो रसद पे अखियां रसता देखे बिछड़े मीतों का सारी सारी रात जगाए मुझको तेरी यादें मेरे सारे गीत बने मेरे दिल की फरियादें वो घर आ जब ओ यारा दोनों बाबू जी शहर से वापस आ गई है क्या ओए ढोल वाले ढोल बजाओ ए घर आ जब परदेसी आज रोमांस स्पेशल है ये भी एक अंदाज है रोमांस का कि आप इंतजार करें अपनी प्यार का ये गाना पहले तो मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इस ढंग में देखूंगी को लेकिन उस फीलिंग को उस एटमॉस्फेयर को इस मंच पर क्रिएट करना ये सिर्फ विवेक कर सकता है एंड वो तब होता है जब शिवांशु साथ निभाता है शिवांशु यू आर सच अ ब्रिलियंट परफॉर्मर इस तरह का रोमांस आपके अंदर मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा है उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा वो मचान के ऊपर जिस तरह से आप लोगों ने घर आजा परदेसी का वो दुपट्टे वाला मोमेंट किया मुझे इतना प्यारा लगा और सोलो शिवांशु वो सोलो क्या था यार कमाल धमाल बेमिसाल हाय थैंक यू सो मच मैम तो लग रहा है कि पंजाब जाके कोई अच्छा सोना मुंडा मिल जाएगा मेरे को ऐसा क्या बात है वो वाली फीलिंग आई मुझे गबरू जवान टाइप थैंक यू इस इमोशन को जगाने के लिए लव्ड थैंक यू सो मच मैम विवेक सबसे पहले मैं आपके बारे में बोल दूंगा यस सर मैंने आपकी जर्नी देखी है फ्रॉम अ डांसर टू अ कोरियोग्राफर सब डांस शोज देख लो यू आर इन द टॉप 5 कोरियोग्राफर्स दिस कंट्री हैज ऑल डांस शोज थैंक यू सर मींस अ लॉट सर थैंक यू सो मच शिवांशु यस सर आप एक बहुत स्ट्रांग डांसर हो यार बहुत सारी चीजें इतनी आसानी से कर जाते हो कि डांस लुक्स सिंपल बिकॉज यू आर डांसिंग इट भगवान करे आप ऐसे ही चक्कर मारते मारते फिनाले तक पहुंच जाओ बस और कुछ बाकी रब की मर्जी तो तेरी मर्जी थैंक यू सो मच सर तो चलिए फिर स्कोर्स की बारी आ गई है तो स्कोर्स जान लेते हैं जय डराओ ना चलो आहा क्या बात है रुक जा हाँ क्या हुआ अगर करना ही है तो ढंग से करेंगे तू क्या करेंगे तू चेयर पे बैठ आके एक बार बैठ के दिखा दे कैसा लग रहा है हमारे बीच में सो विवेक एंड शिवांशु आपका ये परफॉर्मेंस तूफानी था ऑलराइट एक सेकंड इधर ही रुक जाइए एक्चुअली एकदम करीब से मैं ये बोलना चाहता हूँ जजेस को कि ये हकदार है इतने तारीफ के सिर्फ जजेस से नहीं बल्कि एंकर से भी क्योंकि यही एक ऐसा कंटेस्टेंट है और यही एक ऐसी जोड़ी है जो पिछले 3 हफ्तों से फुल मार्क्स लेकर इनका टोटल होता है 70 क्या बात है जोरदार ताले हो जाए यार जय
अब बताओ ना आपके लिए रोमांस क्या है, आपकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई? मेरी रोमांस की कहानी जी, घबरा क्यों रहे हो? माय लिटिल तारा इज हियर। मेरी मुलाकात बहुत ही सिंपल थी। आई थिंक मैं वही एक क्या कहते हैं, गीता माँ बहुत अच्छी तरह से जानती है, कैसनोवा था पूरी जिंदगी। फेम से इतना मतलब यू नो, लड़कियों का प्यार मिला है मुझे पूरी जिंदगी भर। तो ऐसे ही एक क्लब में मुझे याद है हम क्लबिंग करते करते मुलाकात हुई और मैंने 3 महीने के अंदर ही डिसाइड कर लिया था कि यही है वो लड़की, माही इज द वन। या एंड 31st दिसंबर 2009 में मैंने उन्हें प्रपोज किया था और 2010 में हमारी शादी हो गई थी। जो मुझे याद है यहाँ पर मैंने सबको इनवाइट किया था और कोई मेरी शादी पर नहीं पहुँच रहा था क्योंकि उनको डाउट लग रहा था कि मैं इतना बड़ा कैसनोवा हूँ, ये इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकता है। एंड आई कैन नेवर फॉरगेट दैट यू नो, बिकॉज ऑफ माई वाइफ मेरी जिंदगी बदली है। आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल एंड वो जो Look at how she's looking at it. I think, you know, वो मेरे जिंदगी जीने का you know, कारण बन गई है। मुझे ऐसा जब वो फिल्मों में जब बताते थे ना कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, मुझे शायद ये किसी लड़की के लिए कभी फील नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को देखा ना तब मुझे लगा कि मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ यार। You're making a heart. So cute. क्या बात है। चलो बस यार मैं आगे बढ़ते हैं। चलिए इमोशनल जय, कमी और जय, वन हग तो बनता है यार। चलो इसी बात पे आए हैं। कम ऑन कम ऑन। यू सच अ स्वीट साइड ऑफ यू। थैंक यू। लेट्स मूव ऑन और बढ़ते हैं हमारे अगले परफॉर्मर की तरफ। जजेस, वो आवाज जो दुनिया के हर सांस से ज्यादा सुरीली है, वो आवाज जिसमें कुदरत ने खुद मिश्री घोली है, वो आवाज जो कभी दिल और रूह को सुकून देती है। वाह क्या बात है। वो आवाज इस रोमांस स्पेशल को और भी स्पेशल बनाने के लिए इस मंच पर आ रही है। सो प्लीज वेलकम रूह की आवाज शिल्पा राव। अरे क्या बात है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडियाज बेस्ट डांसर में। और क्या कहना चाहेंगे प्लीज बताइए। असल में आज तो मैं फैन गर्ल बन के आई हूँ सबकी। क्योंकि मेरे मॉम डैड मुझे भेजते हैं, ये देखो कितना बच्चा अच्छा डांस कर रहा है, सीखो डिसिप्लिन, सुबह उठा करो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो आई हैव कम एज अ फैन गर्ल। अरे वाह। शिल्पा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वहां पे जाके बैठ जाए, जोरदार ताला हो जाए। So, इंडिया टॉप 10 में अपनी जगह बनाने के लिए रोमांस स्पेशल में आ रहे हैं इंडिया का सीएम यानी कि चतुर मिनिस्टर पुणे महाराष्ट्र से समर्पण लामा और इनकी कोरियोग्राफर भावना खंडूजा। तो बताओ कैसी लगी हीर रांझा की कहानी? अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि वो कभी मिल ही नहीं पाए। नहीं नहीं वो मिले। कहाँ? हम इंसानों से अलग ऊपर वाले के जहां में, जहां से रिश्तों की बूंदे जमीन पर बरसती है, उसी बादलों के आसमान में। हर हमेशा चांद है तू, दिल जनासा है अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना।
जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना, तेरे ही लिए लाऊंगी पिया, 16 साल के सावन जोड़ के प्यार से थामना, डोर बारीक है सात जन्मों के, का एक मैं सिरा और तेरा है दूसरा, जुड़ सके बीच में कई तड़प है ना, जो मेरी को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है ना, आउटस्टैंडिंग जोरदार तालियां हो जाए समर्पण एंड भावना खंडूजा के लिए। समर्पण कैसे हो? ठीक हूँ। आपका कास्ट आज निकला? हाँ, क्रेप बैंडेज तो है अभी भी, लेकिन कास्ट आज निकला है। हाँ, निकल। समर्पण, हिम्मत की दाद दूंगी, यू आर अ वेरी स्ट्रांग बॉय। मुझे काफी चीजें अच्छी लगी भावना कोरियोग्राफी में, लेकिन एक पिया वाला मोमेंट आया व्हेन आपका पूरा वेट समर्पण के थाइस पे था एंड ही कॉट दोज बीट्स, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। समर्पण, हाँ वो फ्लेयर नहीं है जो हमेशा होता है, लेकिन आई एम जस्ट हैप्पी टू सी यू बैक। मैं थोड़ी सी ऐसे ओवरवेल्म हो गई हूँ तुम्हें देख के। मैं तुमको पूछूंगा नहीं कि कैसे हो, क्यों क्यों पूछो, क्यों क्यों सर? अबे मैं तेरे को पूछ रहा हूँ, तू क्या मेरे को पूछ रहा है? पूछो क्यों? क्योंकि ऑनेस्टली अगर इन लोग ने बोला नहीं होगा ना, होता मुझे पता भी नहीं था तेरा एक हाथ नहीं चल रहा है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि तू एक हाथ से अगर इतना अच्छा नाचता है तो दो हाथ से नाचेगा, तो मेरे को दिल से लगता है कि तू टॉप 4 में दिखेगा मेरे को। अरे वाह। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सर कि अगर समझो आप अपनी हिंदी में इनको कुछ कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये जो हाथ का दर्द है वो शायद सर तक दूर हो जाएगा। जैसे ही रांझा ने प्रेम के लिए सब कुछ टांग दिया था, जैसे ही रांझा ने प्यार के लिए सब कुछ त्याग दिया था, हाँ। वैसे ही समर्पण, तुमने आज नृत्य के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। समर्पण, मैं आपको पहली बार नहीं देख रही हूँ, बहुत दफे आपको देखा हुआ है। यू डांस्ड एज इफ आई सॉ डिफरेंट वर्जन ऑफ समर्पण, कि आप दर्द को भी एम्ब्रेस करके कैसे आप आर्ट उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। आई थिंक यू डिड दैट टुडे एंड दिस वाज इंस्पायरिंग फॉर मी एंड ऑल ऑफ अस। सो यू आर माय क्यूटी मिनिस्टर फॉरएवर। क्यूटी मिनिस्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। स्कोर्स प्लीज। 18 आप होता है आपका टोटल। थैंक यू। ऑलराइट, तो पिछले दो हफ्ते और इस हफ्ते के स्कोर्स को मिलाकर आपका टोटल होता है 48। समर्पण, ये भी बता दो आपको रोमांस सबसे पहले कब हुआ था? मेरे को रोमांस सबसे पहले क्लास 3 में हुआ था। फर्स्ट लव जैसा होता है ना वो। हाँ, मतलब वो मेरे बेंच के थोड़े से आगे रहते थे, एकदम गोलो मोलो टाइप के, एकदम प्रिटी प्रिटी थे।
और उनकी नाक से बेहतर था लेकिन फिर भी मेरे को बहुत अच्छे लगते थे वो. So cute, yeah. लेकिन मैंने एक बार हिम्मत जुटा के कोशिश किया कि उनके सामने बोल दो. ओके मैंने बोल दिया उनको कि दैट आई लव यू. तीसरे क्लास में? हाँ तीसरे क्लास में. आई लव यू बोल दिया आपने? हाँ वो पता था मुझे, वो सीख लिया था मैंने तीसरे क्लास में. उसके बाद रिजेक्शन भी समझ लिया था कैसा होता है. मजे. डिड यू एवर गेट रिजेक्टेड? देखो अपने को पता रहना चाहिए किसको पूछना है किसको नहीं. ये कीना बात. गीता तू तू बता ना, तूने क्यों नहीं बताया कभी भी तेरा कौन से स्टैंडर्ड में हुआ था? मेरा कोई स्टैंडर्ड में हुआ नहीं था. कभी तो कहीं ऐसे तो कभी ना कभी तो हुआ. ऑल गर्ल्स स्कूल में जाती थी यार. इट वाज एन ऑल गर्ल्स स्कूल, इट वाज अ कॉन्वेंट. पर उसके स्कूल से बात होती थी? चांस ही नहीं था. बात तो कब इसके लिए तो वहां पे हमारे जो पीछे एक गार्डन हुआ करता था वहाँ पे लग के लड़कों का स्कूल हुआ करता था. एक लड़का था वहाँ पे जिसको हम सब ग्रुप में क्रश करते थे. हाय सो क्यूट ऐसा. वाह फिर क्या हुआ? नंबर मेरा ही लगा लेकिन वो बात की बात है. शाबाश क्या क्या बात. दैट वाज इन द 8th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम. नॉट बैड. उससे पहले हिम्मत नहीं की मैंने. अच्छा उसके बाद भी हिम्मत नहीं की. आज तक हिम्मत नहीं कर रही. क्या बात है. Can I say something? Yes, you can say something. Yes, cutie minister, जल्दी से बोल के फटाफट चतुर मिनिस्टर बन जाएगा. चलो बता. जैसे कि मैम हम सब आपके फैन हैं. आपके गानों में एक एकदम अलग सुकून मिलता है एक अलग सा. मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप हमारे लिए सबके लिए एक गाना गा सकते हो. क्यूटी मिनिस्टर के लिए कुछ भी. क्या बात है. ये बिना बात के सो जाता रहो जाए. लव यू मैम. लव यू मैम. लव यू. आ जाइए. हवाओं में बहेंगे घटाओं में रहे. One of the most beautiful renditions I've heard of this song. Yeah. And it's amazing how you have you just got our hearts today. Thank you for this performance. आप लोग नहीं सुनोगे तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं है. So it always works both ways. So हमारा प्यार आपका प्यार. हम तो और सुनना चाहते हैं. हाँ हम सुनाएंगे. वो बात तो है. We will. हाँ.
We will. और सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हैं? आप बताइए, सोनाली जी। बेशरम रंग। Yeah, why not? Yes, let's go for it. Let's go for it. आप लोग साथ में डांस करोगे? Okay. Yeah. Shilpa for coming. It was zordar taale ho jaye for Shilpa Ram. So, chalo fir badhte aage bulate hain agle performer ko. Kya? What do you want, Mazi? Kyun tok raha hai beech mein? Kya problem hai? Main kya bolaun? In log apne choreographer ke sath dance karte hain. Haan. Bahut acha karte hain. Haan. Kabhi unko solo dance karte hue dekha aap log ne? Haan. मैंने नहीं देखा, मेरे को देखने का है बस। तो देख ले। हाँ। किसको देखना है? अनिकेत, अंजलि, हंसवी और शिवम। क्या बात है यार। Oh,
डिसाइड कर पाओगे पैकअप करो शो खत्म ये आप लोगों को नहीं हमें कह रहे हैं कि हमारा पैकअप हो चुका है क्योंकि अब इन में से कैसे हम चुनेंगे वो सोचो इंडियाज बेस्ट डांसर राइट आई टेल यू व्हाट मैंने पहला शुरू किया लिखने का अनिकेत के लिए फोर्थ फुटवर्क फिर ये जो हंसी आई ना आप खड़े हो गए थे उसके मैंने छोड़ मैंने भाड़ में गया लिखना बट आई मस्ट से इन ऑल फेयरनेस Our classical form is phenomenal to watch. Yes. What a dancer you are, Anshvi. What a dancer. Shivam, tu outstanding hai, boss. Anjali, worthy nahi hai yaar. Isi baat pe zordaar taaliyan ho jaye. Thank you so much. Please take your seat. Judges, हमारी अगली डांसर देपर्ना की लाइफ में रोमांस कूट कूट के भरा है और उनका ये रोमांस है उनके डांस के साथ ये डांस के साथ रोमांस करते करते ऐसे मूव्स कर जाती है जो इंसान को क्या एलियंस ने भी नहीं सोचे होंगे और पिछले हफ्ते तो डांस के साथ इनके रोमांस के लिए स्टेज भी कम पड़ गया इसीलिए इन्होंने हवा के साथ रोमांस किया और आज एक बार फिर से देवपर्णा पूरे इंडिया को अपने प्यार में गिरफ्तार करने के लिए तैयार है सो इंडिया टॉप 10 में अपनी जगह बनाने के लिए रोमांस स्पेशल में आ रही है अनबिलीवेबल मूव्स की सुनामी देवपर्णा गोस्वामी और इनके कोरियोग्राफर धनराज मैं निकला ओ गड्डी लेके Oh,
बात है। देवपर्णा, are you okay? क्या बात है, fantastic, जोरदार ताले हो जाएं। देवपर्णा, जिंदगी में कितनी बार ये स्टाइल में डांस किया आपने? कभी नहीं किया। काबिले तारीफ। आप में वो एक अदा है, वो एक ग्रेस है, वो एक स्टाइल है, वो एक पॉइज है, वो एक स्टांस है जो एक बॉलरूम डांसर में होता है। बिगिनिंग आप उनके शोल्डर पे खड़े थे, आपने डेवलप किया रेस और एक पैर पे बैलेंस किया, कमेंडेबल। आपने स्प्लिट किया और एयर में आपने टर्न्स लिए, फैंटास्टिक। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि तरुण, दिस इज फॉर यू एक्चुअली, उनके फीट का अवेयरनेस थोड़ा और लाओ और ट्रांजिशंस। आई कैन सी के बिफोर द वन कम्स इन, आई नो व्हाट्स गोइंग टू कम नेक्स्ट। अदरवाइज जो आपने डांस दिखाया, आप आउटस्टैंडिंग थे उसमें। थैंक यू सर। देवपर्णा, आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू, क्योंकि अब तक का ये सबसे ज्यादा डांसिंग वाला एक्ट रहा है आपका। yes, आज जिस स्पीड से आपने ट्रिक्स किए हैं, वो काबिले तारीफ है। थैंक यू मोंटे। एंड फॉर दैट देवपर्णा, यू डिजर्व दिस। थैंक यू। आपके लिए मेरी दुआ है कि आप टॉप 10 में जाओ, बिकॉज आई थिंक आप जैसा चैलेंजर अब तक इस मंच पर आया नहीं है। यू आर द टफेस्ट कंपेटिटर दीस गाइज हैव एवरी वीक। गॉड ब्लेस यू। रोमांस स्पेशल में ये जो आपने मुझे ट्विस्ट दिखाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ चीज़ें जो आपने लाइफ में कभी नहीं किए, वो आपने इस वक्त इस मंच पे किए, जहाँ पे हम एलिमिनेशन पे हैं, टॉप 10 ढूंढ रहे हैं। ये जो आपका एटीट्यूड है ना, आई सल्यूट दैट एटीट्यूड। ये एक विनर का एटीट्यूड है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। 8 marks, 9 marks. थैंक यू मैम। तो आपका टोटल होता है 17, एंड पिछले दो हफ्ते के स्कोर्स और इस हफ्ते के स्कोर्स को मिलाकर आपका टोटल बनता है 67. थैंक यू सो मच देवपर्णा, थैंक यू सो मच तरुण, प्लीज टेक अ सीट, जोरदार तालियां हो जाए। जय। हाँ जी। सो मैं क्या कह रहा था कि जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने सिलेक्ट किया सोलो करने के लिए, हाँ जी, मेरा मन करता है मैं और 3 लोगों को बुलाऊं सोलो करने। ओहो, बहुत डिमांड नहीं बढ़ गई तुम्हारी? आज मैं ग्रीडी हो गया हूँ। बुगी अक्षय देवना, एंड 3, 2, 1, म्यूजिक। I'm not afraid to die.
बात है यार। मजा आ गया, खुश। एकल प्रदर्शन कैसा लगे आपको? ये ट्रिकल प्रदर्शन था, तीनों का एकल एकल एकल। ट्रिकल प्रदर्शन अच्छा है। नो वंडर ये शो का नाम है इंडियाज बेस्ट डांसर। वाह। क्यों? हाँ क्यों? हाँ हाँ नहीं गधेरा क्यों? क्यों? क्योंकि इस शो में है इंडियाज बेस्ट डांसर। अरे तीनों के लिए आपके लिए बनता है। रोमांस की जिक्र आए और हम किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान की बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कल रात शाहरुख खान सर का मैसेज आया था, बोल रहे थे कि मेरी बात ना ही करो तो अच्छा है क्योंकि जिसके साथ तुम मेरा नाम लोगे वो मेरी मिमिक्री एकदम थर्ड क्लास करता है। आई लव यू। लेकिन अनिकेत परेशान मत हो, शाहरुख सर ने मैसेज में एक चीज और लिखी थी और वो थी कि अनिकेत आई लव योर डांसिंग। सो इंडिया टॉप 10 में अपनी जगह बनाने के लिए रोमांस स्पेशल में आ रहे हैं इंडियाज बेस्ट डांसर जिनका पहला स्कूल पहला गुरुकुल है दिल्ली से अनिकेत चौहान और इनके कोरियोग्राफर कार्तिक राजा। सर 5 घंटे होने आए, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं आएगी, प्लीज चले जाइए, मुझे शॉप बंद करनी है। प्लीज थोड़ा और इंतजार करिए, उसने कहा था वो आएगी। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। सितारे जले देखा तुझे तो दिल में जान आई छा गई, फिर वही बेखुदी। सर वो आती होगी, प्लीज थोड़ा टाइम और। साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में, जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। बुझ न जाए ये शमा ऐतबार की, ला देखो दोनों लेडीज ऐसे हो रहे हैं। हाय और मर्जी सर का अच्छा हुआ, वो कॉफी शॉप का मालिक लग रहा है ना। प्लीज अपना बैग उतार दीजिए, काफी भारी होगा। ऐसा मत कर यार, डिलीवरी का सामान है।
कार्तिक, आपके मैनेजर से पूछते हैं, मर्जी सर। हेलो सर, जॉब भी दे रहा है, हेलो सर बोल रहा है। गीता मैम के बाद क्यों बाद में बोलेगा, अभी बोल दे। लेडीज फर्स्ट। शुक्र है लेडीज तो बोला मुझे, अक्सर ऐसा बोलता भी नहीं मुझे। मैं भी इंतजार कर रही थी कभी तो मर्जी मुझे एज लेडीज देखेगा। लेडीज लेडीज अनिकेत, योर फीट, आपके पैरों को कभी किसी की नजर ना लगे। यू आर सो वंडरफुल ऑन योर फीट, इट्स स्मूथ, इट्स गॉट अ फ्लेयर। वो जो ट्रे के ऊपर आपने स्लाइड किया वो बहुत अच्छा लगा। आई लव्ड योर एंटायर सेक्शन जब आप नीचे आए स्टेप से एंड आपने जितना वो पोर्शन करके वापस आप चले गए। देयर वाज अ स्टाइल दैट कार्तिक यू हैव कोरियोग्राफ्ड फॉर हिम नाउ, आई लव दैट, दैट्स रियली वेल डन। थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट। अनिकेत, आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट, प्लीज टॉप 5 में मुझे दिख जाए यार, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, क्या बात है। रोमांस स्पेशल में ये भी तो एक पार्ट है रोमांस का, जहाँ पे हम इंतजार करते रहते हैं, इंतहा हो जाती है इंतजार की, और कभी कभी उसके बाद में कुछ हो भी जाता है, कभी कुछ नहीं होता है। कार्तिक, यू आर फैंटास्टिक। यस, थैंक यू सो मच। जिस तरह से ये कोरियोग्राफी, ये जो आपने कहानी बताई है, इंतहा हो गई, डांसिंग था, इमोशन था, इट वॉज सच एन एंटरटेनर फॉर मी। थैंक यू सो मच। अनिकेत, बेस्ट पार्ट था जब आप अंदर जाते हो लड़की के साथ और वो वहां पे कार्तिक मिलता है आपको, कार्तिक से बेटर रिएक्शन इनका था उस वक्त। सर, ना आपकी खूबियां आपके एक्सप्रेशन में और आपके पैरों में, सो यस यू डू डिजर्व दिस विथ ऑल माय लव। इस बार आपको मिले हैं 20, लेकिन आपके पिछले दो हफ्ते और इस हफ्ते के स्कोर को मिलाकर आपका टोटल होता है 66। क्या बात है। अनिकेत, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है रियल लाइफ में भी कि यू नो तुम किसी लड़की के लिए रुके और उसने तुम्हें बहुत ठहराया हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, कभी भी नहीं। नहीं मैम, ऐसा प्यार तो हुआ होगा। नहीं 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 है मेरी गर्लफ्रेंड। नहीं मैम, एकदम झूठ बोल रही है। क्या झूठी बात है। चुप चुप। और आप चुप। अकेले नहीं, ये जो ये शिवम भैया, विपुल भैया, समर्पण भैया सब झूठी बोलती है। जो आसपास में लड़की ऐसे ऐसे जाते हैं ना, एक साथ मुंडी ऐसे घूमती ऐसे। कुछ भी। कौन सी लड़की है जो ऐसे जाती है और ये ऐसे हो जाते हैं? हमारा होटल पे बहुत सारा एयर होस्टेस भी रहती है ना, और वो ना ऐसे, वो जब लिफ्ट में ऊपर जाती है तो इन लोगों उसके साथ ही ऊपर जाना चाहिए। अच्छा, बॉडीगार्ड बन जाते हैं उसके। हाँ, करते हैं मैम, करते हैं, सच सच बोल रही है ये। अच्छा, तो एक काम करते हैं, एक गेम खेलते हैं जिसमें हम कुछ सवाल पूछेंगे लड़कों के रिलेटेड और लड़कियों को अपने हिसाब से आंसर देना है। तो लड़कियां लड़के आ जाइए, कमाल का गेम होगा यहाँ पर, जहाँ पे सबकी पोल पट्टी खुलने वाली है। और भाई जजेस, तो आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा गेम है कि मैं कुछ यहाँ पर टाइटल्स अनाउंस करूंगा, जैसे कि लव गुरु फॉर एग्जाम्पल। तो इन्हें डिसाइड करना है कि इन 5 में से कौन है सबसे बड़ा लव गुरु। अच्छा। और उस बंदे के ऊपर वो स्टिकर लगाना है। तो पहला ही है लव गुरु, ओहो ही इज इन डिमांड, माय गॉड।
अच्छा अनिकेत ओ हो 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 वाह हंसी मैं क्या कर रहा हूँ भाई शाबाश मैं किसको ज्ञान दे रहा हूँ जिसको खुद को ज्ञान की जरूरत है आपको एक बात बताती हूँ एक बार ना मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी तो उसका ब्रेकअप हो गया था तो पता नहीं भैया को कैसे पता चला तो मेरे पास आके खुद ही बोलने लग गए कि बोल उसे इग्नोर करे वो खुद वापस आ जाएगा मतलब भैया को तो प्यार के बारे में सब कुछ पता है इसीलिए मेरी नजर में तो भैया लव गुरु है थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि कभी कभी इनको तेरा बहुत बार टूटा है ना तभी इनको सिखाता हूँ कि थोड़ा दूर भी रहा करो लेकिन खुद सिंगल है पूरी जिंदगी अब उससे क्या फर्क पड़ता है जो ज्ञान देता है वो गुरु हुआ ना हाँ तो वो ज्ञान दे रहा है हमने समर्पण को नहीं बोला ना लव गुरु राइट वो सब ज्ञान अपने पास ही रख लेता है अगला है दोस्त दोस्त ना रहा यानी कि जैसे लड़की मिलती है दोस्त को भूल जाना इसको लड़की कब मिली तुम्हारे सामने जो तू ये दोस्त दोस्त ना रहा पता है ऐसा क्यों बोल रहे हैं लड़की नहीं मिली तो दोस्त से कैसे दूर हुआ अभी तक लेकिन अगर मिल जाएगी तो तू लड़की को ज्यादा टाइम देगा या लड़के को मतलब दोस्तों को टाइम देगा मैम दोस्तों ने समझना चाहिए कि 100% लड़की को ज्यादा टाइम देगा ना अगला है एक तरफा आशिक हे एक तो गीता को भी दे दे यार बताइए आप किन किन को देना चाहते हैं ओ, ये क्या एक तरफा अंजलि ने तो माथे पे लगाया है ये तो मैं हक से मांग सकता हूँ कि हाँ एक तरफा आशिक तो हूँ मैं कितना क्यूट है यार चलो अगला जोरू का गुलाम एक सेकेंड नाक कटवा रहे हो आप हमारी यार और तू जो हेयर हॉस्टेस के पीछे पीछे जा रहा था तूने कौन सा वर्ल्ड कप लाया हिंदुस्तान के लिए गुलामी तो नहीं करी ना ओके चलो अगला है ख्याली कबूतर ख्यालों में ही उसने डिसाइड कर ली कि ये पिंक वाली मेरी अरे बाप रे बाप सारे शिवम को ही लग रहे वाह शायद ये भी कि मैंने हर बार हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ख्याल बताया है अपने आने वाली बीवी के लिए ख्यालों में बहुत कुछ कर चुका हूँ फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़